डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट वन जूलॉजी के सिलेबस के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपिकल्चर पे, यानी कि मधुमक्खी पालन पे। ध्यान देंगे कि भारत के केस में मधुमक्खी यानी एपिस स्पीसी जीनस एपिस के कुल तीन वैराइटीज पाए जाते हैं, एपिस डॉर्साटा, एपिस इंडिका और एपिस फ्लोरिया। इसमें एपिस डॉर्साटा बड़ी मधुमक्खी होती है और जंगली मधुमक्खी होती है, इनका नॉर्मल पालन नहीं किया जा सकता। लेकिन एपिस इंडिका और एपिस फ्लोरिया को बड़े पैमाने पे मधुमक्खी पालन के रूप में किसान भाई यूज़ करते हैं और उससे मधु का और बी वैक्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर का दो पार्ट होगा। पहला करेंगे कि मधुमक्खियों के सोशल लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये बड़े ध्यान देने की चीज़ है। इसमें लिखेंगे आपकी बीहाइव में यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में कितने तरह की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, सिलसिलेवार सुनेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, बाकी जो होते हैं उसमें वो होते हैं आपको वर्कर मधुमक्खी। ठीक है, रानी मधुमक्खी फीमेल होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्टिव होता है, बाकी वर्कर्स भी फीमेल होती हैं लेकिन उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। तो छत्ते की शुरुआत ऐसे होती है कि जो क्वीन बी है यानी रानी मधुमक्खी है वो निपचुअल फ्लाइट करती हैं और ड्रोन्स जो कि मेल मधुमक्खी नर मधुमक्खी होते हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। आफ्टर निपचुअल कॉपुलेशन यानी कि कॉपुलेशन के पश्चात जब रानी मधुमक्खी को लगता है कि वो बच्चे देने लायक हो गई है तो वापस अपने बीहाइव में अपने क्वीन सेल में लौट आती हैं और बाकी जो नर ड्रोन्स हैं उनको वर्कर्स बी द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। अब वर्कर बी के तीन वेराइटीज़ होते हैं जिनके डंक बड़े होते हैं, सोल्जर वर्कर भी माने जाते हैं। एक होते हैं जो कि क्या कहते हैं सर्विस करते हैं, सेवा देते हैं, तो सर्विस हनी भी वर्कर भी माने गए। और तीसरे जो कि पॉलन और नेक्टार यानी फूलों से परागकण और नेक्टार ढूंढ के लाने में मदद करते हैं और जमा करते हैं, वो हो गए वॉयजर या सर्चिंग करने वाले वर्कर बी। कुल तीन वैरायटी होते हैं जिसमें सोल्जर का काम होता है बी हाइव की रक्षा करना। अब जब क्वीन बी आफ्टर नेचुरल फ्लाइट क्वीन बी जो होती है वो अपने छत्ते में लौट आती है और उनके अंडों के निषेचन से वो फिर कई सारे अंडे देती हैं। यानी क्वीन बी का काम क्या है, न्यूमरस एग्स ले करना, असंख्य अंडे को बीहाइव में लेकर देती हैं। अब अंडा ले करने के पश्चात क्या होगा कि कीट वर्ग में अंडे के पश्चात आपको पता है लार्वा होगा, प्यूपा होगा और फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो इनमें कुछ जो होंगे वो ड्रोन्स होंगे यानी नर बन जाएंगे। अब ध्यान देंगे आप कि नर के जैसे ह्यूमन बीइंग में नर में एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, हनी बी में नर में क्या होगा एक्स ज़ीरो यानी वाई क्रोमोसोम नहीं सिंगल एक्स क्रोमोसोम होगा। ऐसी वैरायटी के एग जो होते हैं वो नर में बहुत छोटे क्वांटिटी में बनते हैं, अधिकांश उसमें फीमेल बनेंगी एक्स एक्स वैरायटी की। ठीक है, अब आगे बढ़ें, कुल मिलाकर के जितने भी फीमेल एग्स होंगे उसमें करीब 8 या 10 को वर्कर्स द्वारा चुन लिया जाता है जब लार्वा बनते हैं, तो बाकी लार्वा को सिंपल हनी खिला करके या नेक्टर खिला करके वो लोग बड़ा करते हैं, लेकिन 8 या 10 को रॉयल जेली खिलाते हैं वर्कर्स ताकि वो सेक्सुअली एक्टिव हो सकें, वो कंप्लीट फीमेल बन सके। अब 8 या 10 जो लार्वा बने जिनको कि रॉयल जेली खिलाया गया वो फिर बड़ा होकर प्यूपा में कन्वर्ट होंगे, उनके लिए रॉयल कॉम माना जाएगा। और बाकी जो लार्वा होंगे उनको सब नॉर्मल खाना खिलाते हैं, वो बड़ा होकर के फिर वो सभी वर्कर बी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब 8-10 जो भी रॉयल लार्वा बनाया गया वो सब प्यूपा में बदलेंगे और प्यूपा के पश्चात जो सबसे पहली निकलेगी उसमें जो पहली मादा निकलेगी वो बाकी सभी मादाओं को जो कि क्वीन बन सकती थी उनको अपने डंक से ख़त्म करेगी, सिंगल बचेगी और वापस अपने क्वीन बी के पास जाके बोलेगी सत्ते में या तो आप या तो मैं।
यानी एक बी हाइव में एक ही क्वीन रहेगी, ठीक है। अब उस क्वीन जो नई क्वीन बनी, नई मादा मधुमक्खी बनी, वो अपनी माँ के पास यानी कि पुरानी क्वीन के पास जाएगी, और पुरानी क्वीन जो है वो उस छत्ते को नई वाली क्वीन के लिए छोड़ करके आधे वर्कर्स को लेकर के स्वार्म पर जाएंगी, यानी उड़ जाएंगी कहीं और कहीं और नया छत्ता लगाएंगी, और जो नई क्वीन है उस पुराने छत्ते में फिर से नए जिंदसन को पैदा करेंगी। तो ये है लाइफ साइकिल इनका। अब आगे देखेंगे वर्कर्स जो हैं इनके द्वारा क्या होता है, जो नेक्टर और पॉलन ग्रेन इकट्ठा करते हैं उसको ये अंतः पाचन करके इन्वर्टेड शुगर यानी कि शहद में कन्वर्ट करते हैं और मधुमक्खी के छत्ते में इसको जमा रखते हैं, ठीक है। अब एक और बात जो खास होती है कि इनका जो फ्लाइट होता है, जो खोजी होते हैं कि कौन पौधा का फूल कहाँ पे है, नेक्टर कहाँ से मिलेगा, उनका एक खास बीट डांस होता है, यानी उस सूर्य की ओर से एंगल बना करके अगर 8K वेराइटी में अपोजिट डायरेक्शन में उड़ना शुरू करते हैं तो मालूम होता है कि उतने डिग्री एंगल पर सूर्य की तरफ से 100 मीटर से दूरी पर जा करके कहीं फूल या पॉलन ग्रेन है, और अगर एक ही दिशा में 8 बनाते हैं, 8 के आकार में उड़ते हैं, तो ये माना जाता है कि 100 मीटर से अंदर में ये फूल और पॉलन ग्रेन है। ये एक खासियत है होती है इसकी। अब आपने देखा कि इनका सोशल लाइफ काफ़ी मैनेज्ड होता है, क्वीन का काम, वर्कर्स का काम, सब कुछ वेल मैनेज्ड है और वेल कंट्रोल्ड होता है। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखेंगे हम, यहाँ तक लाइफ साइकिल लिखने के बाद हम लिखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जिसमें आप देंगे कि ये बी द्वारा, हनी बी द्वारा यानी कि एपिस इंडिका या एपिस फ्लोरिया द्वारा बड़े पैमाने पर शहद का निर्माण होता है, जो कि इन्वर्टेड शुगर भी है और काफ़ी सुपाच्य भोजन भी माना जाता है। और दूसरी बात है कि जो इनका बी हाइव होता है वो भी वैक्स का बना होता है, तो वैक्स का उपयोग और हनी का उपयोग बड़े पैमाने पर कमर्शियली किया जाता है, और आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, बी हाइव बना करके लकड़ी के डब्बे में अथवा पेड़ में जो ये बी हाइव लगाते हैं उनके द्वारा शहद का उत्पादन और बी वैक्स का उत्पादन किया जाता है। शहद के फायदे क्या हैं? शहद एक बहुत सुपाच्य भोजन भी है, दवा के रूप में भी इस्तेमाल होता है, और शहद से कई प्रकार के उपयोगी खाने वाली वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। शहद बहुत बड़ा एंटीबायोटिक भी माना जाता है, और जो बी वैक्स है उससे मोम बनते हैं, वार्निश बनते हैं और शू पॉलिश जैसे चीज़ बनाए जाते हैं, और आज के ज़माने में बी वैक्स से कॉस्मेटिक्स भी बनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको इस आंसर में लाइफ साइकिल ऑफ हनी भी लिखना होगा, कैसे क्वीन ड्रोन्स और वर्कर्स की लाइफ साइकिल चलती है ये लिखना होगा, उनके सर्चिंग के डांस की वैरायटी के बी डांस इसको बोलते हैं, इसकी वैरायटी क्या होगी, प्लस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होगा, कैसे किसान लोग उससे शहद और बी वैक्स का उत्पादन करके अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं, इतना लिखने के बाद आपका आंसर कंप्लीट होगा। और भी कोई क्वेरी होगी तो कल आप लोग जूम ऐप पे डिस्कस कर सकते हैं, मैं 10:30 बजे हाजिर रहूँगा। थैंक यू।